हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम हिमालय के कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स की आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा, छोटी से छोटी दुकान पे, बड़े से बड़े शोरूम पे, छोटे से छोटे गांव में, बड़े से बड़े शहरों में। तो हिमालय के ये दो शैम्पूज हमारे पास हैं। फर्स्ट वन इज एरिना ईपी शैम्पू। दिस कैन बी यूज फॉर टिक एंड फ्ली मैनेजमेंट। अगर आपके डॉग्स को टिक्स पड़ जाए, किसी भी तरह के कीड़े पड़ जाए बॉडी के ऊपर, उड़ने वाले, रेंगने वाले, छोटे वाले, बड़े वाले, मोटे वाले, फ्ली टिक्स जिन्हें हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो उनके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट यूज़ फॉर डेली बाथ, डू नॉट यूज़ फॉर बेसिक यूज़, क्योंकि टिक और फ्ली के जो भी शैम्पूज होते हैं वो बॉडी से मॉइस्चर खींच लेते हैं, ना ही सिर्फ हिमालय के, किसी भी अदर ब्रांड के। तो इनका इस्तेमाल स्पेसिफिकली टिक्स और फ्ली पे ही करना चाहिए। और एक ये लेमन फ्रेग्रेंस में आया है, तो इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है। तो इसका दूसरा जो शैम्पू आता है, दैट इज एरिना, वो एरिना ईपी था, दैट इज प्लेन एरिना कोट क्लिंजर फॉर रूटीन बाथिंग। इसको आप रेगुलर बाथिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरी वीक, एवरी 15 डेज, एवरी 10 डेज की बाथिंग पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मिंटी फ्रेग्रेंस है, आपको हाथ में भी ठंडा ठंडा सा फील होगा और आपके डॉग को भी ठंडा ठंडा सा फील होगा। एंड मेक श्योर, जब आप ठंड में नहला रहे हो तो पानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास स्केवॉन है, स्केवॉन टॉपिकल एंटी माइक्रोबायल। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर किसी भी डॉग को, कैट को, गाय को, भैंस को, भेड़ को, घोड़े को, किसी भी एनिमल को कहीं कट जाए, फट जाए, मैगेट्स पड़ जाए, कीड़े पड़ जाए, कीड़े पड़ गए हों, हीलिंग के लिए चाहिए, वाउंड हीलिंग के लिए चाहिए, मक्खियां बैठ रही हों, घाव जल्दी से सूख नहीं रहा हो, किसी भी तरीके की ऐसे जख्म को हील करने में स्केवॉन स्प्रे का बहुत अच्छा रोल है। और मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, हिमालय सिंस 1930 से जो कंपनी आपको अपनी सेवा दे रही है और जो कि भारत की कंपनी है, इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। यूजुअली जब भी हम पपीज लाते हैं तो उन पपीज को कैल्शियम की बड़ी ज़रूरत होती है, एज वेल एज बड़े डॉग्स को भी बड़ी ज़रूरत होती है। तो हिमालय हमारे लिए हिमकाल के रूप में कैल्शियम भी लेके आता है। छोटे पपीज को आप 1 से 2 ml सुबह शाम दे सकते हैं, जूनियर बेबीज को 4 से 5 ml और अडल्ट डॉग्स को आप 10 ml सुबह शाम देंगे, तो उससे कैल्शियम और फास्फोरस बहुत प्रचुर मात्रा में डॉग्स और कैट्स को मिल पाएगा। ये दो चीज़ आप देख रहे हैं, फर्स्ट वन इज डाइजिटोन ड्रॉप्स एंड सेकेंड वन इज डाइजिटोन प्लस सिरप। डाइजिटोन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए है, यानी कि पेट के पाचन तंत्र को, डाइजेशन को अच्छा रखता है। तो जब आपका कोई पपी हो या किटन हो जिसकी एज 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक है, तो आप डाइजिटोन का ड्रॉप लें, और 4-5 महीने से ऊपर का बच्चा है, चाहे वो कैट हो चाहे डॉग हो, तो आप डाइजिटोन का सिरप लें। कितनी कितनी मात्रा में देना है आपको बॉटल के प्रिस्क्रिप्शन गाइड में आराम से पीछे देखने को मिल जाएगा। पपीज, डॉग्स, किटन्स एंड कैट्स के रूप में ईजिली आप इनको देख पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीव 52 ड्रॉप्स, लीव 52 सिरप भी आता है, सिरप अभी हमारे पास है नहीं, एज वेल एज ये लीवर टॉनिक है, लीवर को दुरुस्त करता है, खाना पीना अच्छे से पचता है, ठीक है। किसी तरह की मेडिसिन चल रही हो तब भी आप इसका सेवन कराएं, मेडिसिन का बैड इम्पैक्ट लीवर पे नहीं होगा। वैक्सीनेशन आपने कराया है तब भी आप लीवर टॉनिक और लीवर ड्रॉप का इस्तेमाल करें, उससे भी कई बार खाने पीने में आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि डॉग या कैट डिप्रेशन में चले जाते हैं वैक्सीन के बाद, 1-2 दिन तक थोड़ा सा बॉडी फ्लक्चुएट करती है इम्यूनिटी उनकी, तब भी ये देना चाहिए। एंजाइटी में भी आप इसको अच्छे से दे सकते हैं। और एक फोर्थ पॉइंट इसमें लिखा है, सपोर्टिव थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पैरासिटिज्म, वैक्सीनेशन एंड स्ट्रेस। हाँ, ये तीनों चीज़ें मैंने कवर कर ली, स्ट्रेस में, वैक्सीनेशन के टाइम में, डिप्रेशन के टाइम में, यानी कि आप चाहें तो 12 महीने आप लीव 52 का सेवन करा सकते हैं। सो हिमालय एक हर्बल कंपनी है जिसके ट्रस्ट और फेथ के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें एज मच एज यू कैन, एंड जिनको भी मार्केट में अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट नहीं मिलते, और कई बार मुझे फ़ोन आता है, मैं किसी एक अच्छी दवा का रिकमेंडेशन देता हूँ, तो सामने से मुझे कॉल आता है, सर ये वाला नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, वो वाला नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है। तो किसी भी उलूल जुलूल या ऊट पटांग ब्रांड के साथ जाने से अच्छा है
आप हिमालय के साथ जाएं, हिमालय इजीली अवेलेबल है, इजीली रीचेबल है, और कंज्यूमर से पेशेंट से एक खास अपील कि हिमालय हमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे बहुत सारा मार्जिन नहीं देता। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जिस भी स्टोर से लेने जा रहे हो, एक पीस 100 रुपये 150 रुपये की दवा लेके उस पर प्लीज़ 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 10% 15% 16% के डिस्काउंट की बात ना करें, क्योंकि 10% 15% 16% से ज़्यादा हम लोगों को भी नहीं बचता है। तो हम इतना डिस्काउंट हिमालय जैसे प्रोडक्ट्स पे नहीं दे पाएंगे जो कि वेल नोन और रेपुटेटेड प्रोडक्ट है। जय हिंद, जय भारत।